मास्टर सुबह सुबह घर में मिल गया तो मार लग रहा है वाच ऐसे नेगर पहना करो ये भी केपरी नेगर को ये नेगर ये तो घुटने से ऊपर है मतलब पहले यहाँ था एक केपरी थी पहले अब इतने भी सांस चला गई तो बड़ा होगा ना आदमी होगा अच्छा ना आदमी तो होगा था बड़े रह गया तो बच्चे का मम्मी कहाँ जाऊँगा मैं एक दिन। तो गाइज गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज हमारे एसी की सर्विस हो रही है। और इसके अंदर से पूरा 35 किलो धूल निकली है। ये रहा, ये मैंने कुछ ऑर्डर किया था हिना के लिए, ऐसा समझ लो ये ईद का एक तोहफा है उनके लिए। इसमें बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। रोजमर्रा की नहीं है, अरे हाँ तो मेरी तरफ से ईद का तोहफा है आपके लिए, ठीक है ना। देख सकते हैं गाइस कितना भारी है, 5-6 हज़ार रुपये का तो होगा। क्या है इसके अंदर अंदर दिखाऊं? दिखाओ। भूल गई क्या बोलना? अरे 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 दिखाओ दिखाओ। कैसे बनाती होगी यार तुम खाना होना तभी इतने हाथ काटती हो अपने रोजाने सी पे चक्कू छुरी लगती है मेरे यार बहुत बड़े चावल है यार तो मेरे साथ रहेगा तो हो गई मेरे साथ रहेगा तुम सुधर गई हो थोड़ा सा कैसे खुलता है बोलना ही भूल गई यार इतनी बार हजारों बार मैंने मंगवा के दिया है तुम्हें बेचते करवा रही यार तुम ऐसा लग रहा है पहली बार भूल रही हो अरे यहाँ टेप लगा ये क्या है ये सीरम है लोरियल ओके मैंने सोचा लोरियल का मंगाती हूँ पता नहीं कैसा होगा देखूंगी यूज करके और ये है विटामिन सी बीबी क्रीम छोटा है उसमें कितना पड़ा दिख रहा था अच्छा हो ना दो मंगवाया ये है क्या चीज कंडीशनर अच्छा ये है ये क्या चीज है भाई ये मिस्ट है मिस्ट ऑफर में तो अच्छा खासा ऑफर था रेवोल्यूशन का है अरे वो है इसको स्प्रे करने से देखो गोल्डन चंक्स है इसमें तो इससे ना मेकअप ना और ना चमकेगा 700 रुपये का मंगवा लिया तुमने ये चावल बंदी 1150 रुपये का है कितने का दिए ये देखो कितने पैसे बच गए मेरे मेरे पैसे बच गए मेरे शैम्पू इसी शैम्पू को लगा करके मेरे बाल बहुत अच्छे लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते थे वाकई में मैंने ये शैम्पू करीबन 4 साल लगाया है अब मैंने छोड़ दिया तो मेरे बाल भी खराब हो गए तो सोचो दोबारा से एक बार यूज करूँ क्योंकि ये ना शॉप पे मिलते नहीं है अब तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है अब मैं यूज करके देखती हूँ कि मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे मैं भी लंबा पर आप धोना मत क्यों क्यों अच्छा अपना मंगाओ अपना धो ये मैंने ही मंगाया है मेरा सामान है सारा ये वाला मुझे दे दो ये मेरे काम में आएगा। हेलो गाइज वेलकम बैक टू हीना व्लॉग्स एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल में। तो गाइज आज का सीन ये है आज हीना के घर वाले आ रहे हैं हमारे यहाँ पे साथ में रूबी भाई जी भी आएंगे क्योंकि हमने उनकी दावत किया है तो आज वो सब आने वाले हैं तो हम उसी की तैयारियाँ भी कर रहे हैं सुबह से। तो हीना बना रही है आज क्या बनेगा आज हमारे घर में खीर बनेगा बिरयानी बनेगी आज बहुत सारी चीज़ें बनेंगी खीर है बिरयानी है निहारी है और छोले फिर इफ्तार का सामान छोले और इफ्तार का सामान मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी आज तो हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं सुबह से और एसी की सर्विस वर्विस भी हो गई है और हिना को मैंने ईद का तोहफा भी दे दिया है एक और एक्स्ट्रा मतलब एक तो दे दिया है कपड़े उसके अलावा भी एक्स्ट्रा गिफ्ट दिए हैं मैंने और अभी मैं जा रहा हूँ साथ की जो साथ के कपड़े चेंज नहीं हुए थे वो चेंज करके और मुझे अपना कुर्ता भी थोड़ा सही कराना है क्योंकि वो थोड़ा ढीला सा लग रहा है मुझे। तो गाइस फाइनली 2 बज चुके हैं और 7 तैयार हो चुका है ये भी लड़कियों की तरह तैयार होता है बहुत टाइम लगाता है तैयार हो गया
क्या हालत देख के लग रहा है 5 मिनट में तैयार हुआ है। वैक्स वाले पैर तो देख लो इसके, और इसके पैरों में वैक्स हो रखा है, दिखा दो। तो गाइस अभी हमें जाना है इसके कपड़े चेंज करने। सबसे पहले तो सरदर्दी है बहुत बड़ी, इसके कपड़े क्यों लेके आया मैं सोच रहा हूँ, पछता रहा हूँ मैं। तो आंटी ने तो डरा दिया, तो अभी हम आ गए हैं इधर वेलकम की तरफ। ये मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ये जाफराबाद का मेन रोड है, और अभी हमें जाना है फुप्पो के यहाँ पे, कोई काम है मतलब कपड़े वपड़े देने, तो वहाँ जाना है। तो गाइस अभी हमें वेलकम अपने फुप्पो के यहाँ पे आए। कहाँ है घर, कहाँ है? और हमें घर का आता पता नहीं है, फ़ोन करके पता करना पड़ेगा। तुझे भी नहीं पता घर का? मैं इसलिए पता होगा वरना पूछता। तो गाइस जब हम फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे सन 2005 या 6 की बात है, तो काफ़ी साल हो गए। तो जब हम फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे तो हम सबसे पहले वेलकम ही आए थे, और ये वो घर है ये ब्लू वाला, यहाँ आके हम फर्स्ट टाइम रुके थे। तो गाइस धूप देख सकते हैं कितनी भयानक है, हालत ख़राब हो चुकी है, साथ के सारे बाल जल गए पैरों के। सही लग रही है ना? बढ़िया, अब चेंज नहीं होगी, अब तो सही है, अब तो मेरी पसंद है। तो गाइस ये आ गया ब्रह्मपुरी का रोड फिर से, एक बार हम यहीं से चलेंगे। और यहाँ की रौनक, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रौनक रहती है, खासकर रमज़ानों में। और ये रही फेमस मटके वाली गली, इसका नाम इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि इसके नुक्कड़ पे मटकों की दुकान है। और ये रहा एमडी का चाट मसाला। चलो बादशाह, चलो चलो। ओ भाई देखो गया, आ गया वो गया। ए यार बादशाह कैसा है? गाइस पूरे 3:30 बज चुके हैं और हम घर पे भी आ गए हैं, लेकिन हीना के घर वालों का भी तक कोई अता पता नहीं है, ना ही रूबी बाजी का। छः बजे तक आएंगे तो फायदे क्या है, 6:30 बजे तक अफ्तार हो जाएगी, खाना वाना खा के चले जाएंगे वो 7-8 बजे तक। उनका कह रहे हैं कि अफ्तार है, मतलब रोजा होता है तो जल्दी आके खा लेंगे, जल्दी आके आराम करेंगे, बातें बातें कर लेंगे थोड़ी बहुत। दूसरे घर में और ज्यादा लगता है। क्या लगता है? रोजा लगता है? नहीं ये भी तो नहीं है ना, मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे आओ, गलत बात है। अब तुम्हें पता है मेरे घर क्या लेट आते, हमेशा लेट आते हैं, तुम्हारे घर वाले कभी टाइम पे नहीं आएंगे, हमेशा लेट आते। आज तो यार सही में हालत ख़राब हुई, सही बता रहा हूँ, इतनी तेज़ धूप है ना बाहर। तो गाइस इनके अभी तबीयत ऐसी ही चल रही है, ठीक नहीं है पूरी तरह से, तो शक्ल से भी पता चल रहा है। ये मेरा नया सूट है, मैंने ये सूट दुपट्टे की वजह से लिया। अच्छा ओ गाइस अब इसकी प्राइस सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। कितने का है? ओनली 450। 450 का है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बिरयानी की तैयारी होती हुई, ये हमारे चावल पहले कट्टे में रखे रहते हैं सारे, पहले से एडवांस में हमने, कब कोई बिरयानी बनवा लो कुछ नहीं पता, कब मेहमान आ जाओगे घर में हो तो एकदम बना दो ना, एडवांस में रखते हैं अम्मी। आज क्या क्या बनाएगा अम्मी? नहारे, बिरयानी, छोले, खीर, पकौड़े और पकौड़ों के साथ फ्रूट चाट वगैरह। और कोल्ड ड्रिंक, मेरी फेवरेट पकौड़ी प्याज की पकौड़ी मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे अभी तो बन रही है फिलहाल आलू की पकौड़ी, क्योंकि साग को बहुत पसंद है। देखो कितनी बनी, पूरी बहुत सारी बना रही है इसको। मसाला नमक चेक कर लो, नमक चेक करो, खुद चेक कर लो ये वाला की। क्या वो अम्मी बोर हो गई क्या? बहुत ज्यादा बोर कर दिया आज ना कि अम्मी ने।
बताओ अच्छे बजे रात फोन करा ना क्या करे मालूम। हाँ चलो ठीक है आराम करो, अरे कल को तो बहने बहने बैठ के बातें करेंगे, 12 बजे आ जाऊंगी। 12 बजे बोली ठीक है आराम करो, कल को तो मिलेंगे बैठ के बात होगी। अब आगे 6 बजे जाने का रहेगा। चलो 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 6 बजे अब तक तो आ जाना चाहिए। और अभी क्या पता रोजे के टाइम पे यार दसा खाल लगा हुआ अभी सिर्फ वही हफ्ते आते हैं। चलो चलो दिक्कत ही है ना कि आने के बाद फिर जाना भी तो है, दूर जाना है उनको, इसलिए जल्दी आना चाहिए था। लेकिन जल्दी आती नहीं आते। चलो 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 हम जा, हमें अगर शाम की दावत कही तो सुबह 10 बजे जाके बैठा पहले भाग ही फिर रहा नारे तो तुम्हारे बच्चे वोएंगे वोएंगे कबूतर के बच्चे। ये कबूतर के बच्चे कैसे लग रहे हैं भाई? वो कबूतर के बच्चे देखो झूम करके बच्चे हैं। कौन से वाले? ये जो इधर बैठे हैं इधर राइट हैंड साइड पे इधर जो बैठे हैं। आज से चावल के आदमी लग रहा है। चोच देखो भाई तुम, चोच देखो। अरे बच्चे है वो चोच से पता चलता अभी यहाँ बैठे थे चोच से पता चलता चोच और आँखों से मुझे तो आदमी लग रहा है। देखो उनके दोनों का पेड़ देखो वाइट है और दोनों के देखो ब्लैक है। और फाइनली लूज जाम आज ही आ चुकी है 6:15 बजे। वाले कैसे ढूंढा तुमने? सामान नहीं डिनर सेट भी लेके आई है। कुछ कहना चाहोगे? हमने कुछ ना कहना चाहूंगी, बस ये कहना चाहूंगी आ जाए जल्दी से, बड़ी चिंता और फिक्र में डाल दिया है। मौसम तो काफी अच्छा हो गया है लेकिन हालत खराब ही हो गई है हमारी तो। कितने झूठे यार बताओ, काम ना करने पड़े इस वजह से इतनी लेट आई है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि ना तू टेंशन मत ले, लगी हां मैं भी ये सुन रही थी। एक तो टेंशन नहीं है, वो बहुत काटता है। पांच चले के लाके रखो तब तक निकाल के ये ला दिया। तू मैं टेंशन मत ले, मैं ना टीम बुला लूंगी काम करवाने के लिए, हेल्प करवाने के लिए, तू टेंशन मत ले। रुको 5:30 बजे 5:30 6 बजे तो आखिरकार ये लोग आ चुके हैं, पूरे 4 मिनट रह गए इफ्तार में। नहीं खुल रहा ठीक है, और खुलेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पर्दा का हाथ है चूड़ी वाला कह रहा आपको हाथ में भारी है, इनको मैं खा के भी देखूंगा। ना यार हमसे नहीं खुला, इन्होंने खोल दिया है। जबड़ा हिल गया हाथ दे हाथ दो तुम्हारे से बड़ा। ए ए इधर देख, इधर इधर देख, इधर देख, इधर और यहाँ समीर भाई सोते हुए घोड़े बेच के। और ये यहाँ हीना के घर से त्योहारी आई है देख सकते हैं, और हमने सोचा नहीं था मतलब फिर भी ले आए, काफ़ी अच्छे से किया है माशाल्लाह से। चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। 100 रुपए तीनों ले लेगा, लड़ना नहीं। अरे मुझे क्यों दे रहे हो? ईदी में मत भूलो, ईदी को भूल जाओ। सास ससुर हो गई, ये लो किराया है। चारा ना के पैसा ये क्यों? किसको दो? 3 दिन रहना है, खाना पता है, खाना दे दो। सही है, चीज लेने आ रहा हूँ, जाऊँ
तो गाइस ये अर्शु पागल हो गया, मेरे से ज्यादा उसको खुशी हो रही है डिनर सेट मिलने की। अर्शु नहीं नहीं, और ये रूबी यहाँ पे डिनर सेट दिखाते हुए बिल्कुल पापा लग रहा है, ये तो लोगों का पापा। कौन ले जा रहा है, किसका है ये, किसका है शुरू, ये किसका है, आगे नीली है। ये रूबी खाला की, अपने रूबी खाले की सेवा करते हुए पता चल गया चोट लग गई है। हमारी बिरयानी देख सकते हैं, यूनिक एकदम बढ़िया कलर है इसका, पता नहीं कौन सा कलर आया है। साथ ये लेकर आया है रोज कलर, रोज बिरयानी। अम्मी क्या कलर डाला है, देख लो टेस्टी लग रहा है, इस कलर थोड़ा सा अजीब सा है इसका। अभी तक आओगे भी नहीं। लास्ट में गिर कर दे जान, दूसरे मिर्चा डाल दिए ताकि मिर्चा। मैंने बनाया, मम्मी ने बनाया। नहीं इस बार तो नहीं है मिर्चा। निकालो तो, खेल कर रही होगी तो कम कम निकालो। और ये काफी मेहनती है, खाना खाते ही बर्तन धो रही है, बहुत सारे बर्तन हो गए। काम तो करवाओगे तुम लोग, खाना खिला काम तो करवा दो, बुक लिया जाता है। सही कह रहे हो, इसीलिए लो बुला दे। मैं इतनी महंगी चूड़ी खरीद के लाई, बर्तन धोने के लिए लाई। अच्छा चूड़ियां दिखाओ, अच्छा चूड़ियां दिखाना चाह रहे हो, बढ़िया लग रही है, ब्लैक एंड वाइट। और अब ये जाने की तैयारी करते हुए, हीना आपकी बेटी है, ठीक है, आप जो ऐसे जो भी आपके हवाले करना आपकी बेटी है, उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है। आप बताइए, आप सास बहू आप बेटा बने हो, तो कहते हैं ना कहावत है, वो मां से ज्यादा सास अपनी बात। मिठाई मिठाई लेके जाओगे क्या? अच्छा। तो गाइज ये समीर भाई के सिस्टर की शादी का कार्ड है और इन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो ये सब जा रहे हैं हम, भैया तारीफ तो करते हो हमारे खाने की थोड़ी सी। बिरयानी और खाना अम्मी ने बनाया, देख लो भाई अम्मी ने बनाया। बिरयानी अम्मी ने बनाई, मैंने नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया मैंने, सिर्फ खीर के अलावा। मैंने बता था नहीं नहीं, वो मजाक कर रहे हैं। चलो सब जाने हैं, तो अब सब चले गए हैं। तो यहाँ पे आशा और अमन खाना खा रहे हैं। आशा आशा घुटने दिख रहा है, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। रख दो, धोती पहन ले। तो इतना सारा सामान ले आए इनके घर वाले, तो तुमने मना नहीं किया? मुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बता दूंगा, हम रखे हैं कहाँ पे घर, तो इतना छोटा है वहाँ। अल्लाह से दुआ है कि मेरा बड़ा घर हो जाए, नहीं होता यार इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता। सही बात है, थोड़ा बड़ा घर होना चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब ये सामान का मैं यही तो सोच रही हूँ, यहाँ बैठ करके कि सामान कहाँ रखूंगी। तो बड़ा सा डिनर सेट ही। मैं बहुत खुशी हुई मेरे घर वालों ने मेरे लिए इतना सोचा।